हेलो एवरीवन मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है ना मार्कशीट्स का महीना चल रहा है तो जो गुरुवार आते हैं हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की मतलब अलग से इस तरह से स्थापना करके पूजा की जाती है तो इसे मार्गशीर्ष के गुरुवार बोला जाता है जिसमें कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस टाइम ऐसा मानना होता है कि इस महीने में लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत अच्छा होता है हर गुरुवार को और उनकी एक खुद खुद एक जो ना कहानी वगैरह सब कुछ है तो इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकती बस इतना कि मार्गशीर्ष के गुरुवार चल रहे हैं तो कुछ चार या पाँच गुरुवार होने वाले इस महीने के तो बस अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए और वीडियो में आगे बढ़ने से आप बढ़ने के पहले आपसे एक बार बोल दूँ कि वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पर नए हैं और वीडियोस इस तरह की डेली ब्लॉगिंग देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए और तैयारी तो सारी कर ली आटा वगैरह गूंथ लिया है और ये रही बासुंदी बना रहे थे रबड़ी बना ली है इसकी मतलब बासुंदी बोल लो हमारे घर में इतनी थिक बनती है बासुंदी और ये बासुंदी बनाई है सुबह सुबह बड़े भैया ने तो यहाँ पे लगभग दस लीटर दूध था जिसकी बासुंदी बनी है और इतनी अच्छी बनी थी ना मतलब लच्छेदार जो बोलते हैं उस तरह से बनी थी बासुंदी और खाने में तो बहुत मतलब मेरा जो है ना मीठे में फेवरेट है बासुंदी रसमलाई ये सब कुछ तो उसमें से एक चीज़ें ही बनी है तो हर गुरुवार को क्या होता है ना कुछ ना कुछ मीठा बनाना होता है तो कुछ ना कुछ मीठा हमारे घर में बनता है हर गुरुवार को तो आज जो है रबड़ी बनी थी मतलब बासुंदी बनी थी और यहाँ पे जो है कुकर लगा दिया था आई तो आई जो है ना आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि आज जो है अब बासुंदी बनी है तो उसके साथ में जो है पूरी खाते हैं तो उसके साथ अब कोई मसाले की सब्जी तो अच्छी नहीं लगेगी थोड़ी सी सिंपल सी गोभी या आलू वगैरह इस तरह की सब्जी जो होती है ना अच्छी लगती है तो बस यहाँ पे मटर और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाली हूँ तो आलू जो है अच्छे से बॉईल हो गए और अभी ऐसा होता है ना ठंडी के टाइम पे कितना भी गर्म आप छू लो बिल्कुल गर्म हाथ को लगता नहीं है तो मैंने जैसे कुकर खोला उसके बाद मैंने इमीजिएटली जो है ना आलू निकाले लेकिन बिल्कुल भी हाथ में चटका नहीं लग रहा था और यहाँ पर जो है मेरे वीडियोज़ आजकल जो है ना पीहू बनाती है मैक्सिमम मेरे जो वीडियोज़ है ना पीहू बना देती है क्योंकि मैं घर पर होती हूँ तो बस वो वही रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसे ना अलग अलग एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है तो वही मुझे हंसी आ गई और मुझे अभी सर्दी हो रखी है दो दिन हो गए तबीयत थोड़ी खराब सी चल रही है और ये वीडियो जो है गुरुवार का है और इसे मैं अभी एडिट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत के कारण अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं नहीं कर पाई और ये सारा बना रही है पीहू तो सारी तैयारी जो है ना मैंने करके रख ली है अब बस सब्ज़ी में डालने की ये मतलब ये तैयारी तो आईने करके दी ये मैंने नहीं करी है मैंने आटा गूँथा था आप प्याज और टमाटर वगैरह आईने काट दिए थे तो बस अभी सब्जी फ्राई करने की बारी आती है तो आलू और मटर की सब्ज़ी मतलब अभी ऐसा है ना सीज़न कि हर सब्जी में मटर डलना ही डलना है मतलब मटर घर पे होने ही होने और हर सब्ज़ी में जाने हैं और वैसे भी अभी मज़ा आता है मटर वगैरह हरी सब्जी खाने का क्योंकि इसके बाद तो वैसे भी साल भर इस तरह के मटर तो नहीं मिलते फ्रोज़न मिल जाते लेकिन ऐसे नहीं मिलते इसलिए अभी जितना मन चाहते चाहता है ना उतने मटर खा लो जिस चीज़ में डालना है उस चीज़ में डाल दो तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा तड़का लगाया है मैंने राई ज़ीरा डाल दिया है तेज़ पान डाल दिया है प्याज वगैरह डाल दिया और दो बर्तन चढ़ाए हैं क्योंकि आपको पता है मेरे घर में दो तरह की सब्ज़ी बनती दो तरह की मतलब एक फीकी वाली और एक तीखी वाली एक जिसमें मिर्च नहीं डलती और एक जो जिसमें मिर्च डलती है और बहुत ही सिंपल वाली सब्जी है ये और ये सब्जी सिंपल ही अच्छी लगती है ज़्यादा मसाले वसाले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पे अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया है और मुझे पता है आलू और टमाटर की, सब्ज... की सब्जी आलू की सब्ज़ी ना बस हरी मिर्च और टमाटर से जो फ्राई करते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी के साथ में आ, लेकिन घर में सबको नहीं उतनी पसंद आती हम मुझे और हस्बैंड को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है तो बाकी घर में सबको उतनी पसंद नहीं आती तो इस तरह की हमारे घर में सब्ज़ी बनती है फिर लेकिन मुझे तो मिर्च और टमाटर वाली ही पसंद आती है तो सिंपल से थोड़े बहुत मसाले डाले बहुत ज्यादा मसाले कुछ नहीं डाले यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर वगैरह ले लिया है लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला गर्म मसाला ज्यादा नहीं डाला है बिल्कुल छोट छोटा से देख रहे हो ना इतना सा बस इतना ही डाला था मैंने गर्म मसाला और बस इसे भून लेते हैं मतलब कुछ एक सेकेंड्स के लिए या मिनट के लिए आ, बस जलने नहीं देना है इसे इसके बाद इसमें डाल दिए थे टमाटर और टमाटर डालने के बाद में मैंने तुरंत इसमें डाल दिए हरे मटर और मटर इतने अच्छे मतलब अभी जो जब कुकिंग करती हूँ ना तो वीडियोज़ में कलर्स इतने अच्छे लगते सब्जियों के हरे लाल पीले अलग अलग तो बस यहाँ पर मटर डाल दिए और इसे ना कुछ देर जो है ना मैं ढाक के पकाऊंगी और इसी टाइम पे मैंने इसमें नमक डाल दिया था ताकि मटर में भी नमक लग जाए क्योंकि मटर जो है ना कुक हो जाएंगे और बाद में जब मैं आलू डालूंगी तो उतनी देर उसे नहीं पकाऊंगी क्योंकि आलू जो है ऑलरेडी पके हुए हैं तो यहाँ पे ढक के रख देते मटर को ताकि मटर जो है अच्छे से पक जाए पहले उबाल के भी रख सकती थी मतलब पानी में थोड़ा सा लेकिन मैंने सोचा कि चलो तेल में ही कर लेते हो तेल में जो किए हुए होते हैं ना मटर उसका टेस्ट अलग आता है अब जो घर पे है ना पूरी और रोटी दोनों ही बननी थी आ, क्योंकि रोटी के भी मतलब हम मेरे घर में जो है ना रोटियाँ भी लगती है तो मैंने सात आठ जो है रोटियाँ भी मैंने डाल दी थी तो यहाँ पे बना ली है रोटी मस्त फूले फूले फुलके और इसके बाद जो है मैंने बाद में सब मेरा होने के बाद में जो है ना मैंने पूरियाँ बनाई थी और ये रहे मटर अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पे और बीच बीच में मैं से ना चलाती रही हूँ ताकि सब्ज़ी जो बीच में से मतलब नीचे से ना लग ना जाए तो कलर इसी स्टेज पे सब्जी ऐसी लग रही है ना बस ऐसे ही रहने दो अभी इसके आगे कुछ नहीं डालना इसमें बस ऐसे ही खाना है और इतनी टैमटिंग इतनी अच्छी दिखती ना इस तरह की सब्ज़ियाँ जब हम मसाला डालते और सब कुछ बनाते हैं और हाँ सब्ज़ी नहीं डालने के पहले जो उसका मसाला होता है ना ऐसा लगता है बस यही रहने दो आगे सब्ज़ी मत डालो ऐसे ही खा लो मेरा मन तो हमेशा ऐसे ही होता है अब यहाँ पे डाल दिए मैंने उबले हुए आलू और उसके बाद थोड़ा सा पानी क्योंकि ना मसाला जो है नीचे से लग रहा था तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बाद में जो है पूरा पानी डालूंगी अगर नहीं लगता ना मसाला नीचे से मतलब जलता है नहीं तो थोड़ा सा एक दो मिनट में इसे तेल में होने देती आलू को लेकिन नीचे से थोड़ा सा मसाला लग रहा था इसलिए फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है पानी थोड़ा डाल ही दिया है तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या मतलब पूरा पानी डाल दिया जाए वैसे भी भी तेल में तो होने वाले नहीं हैं आलू तो बस पानी मैंने इस पर डाल दिया था जितनी थी ग्रेवी चाहिए थी मतलब जैसी चाहिए थी हमारे घर में जैसे खाते खाते ना उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया था और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि बासुंदी बनी थी तो मेरे घर में बासुंदी के साथ जो है ना पूरी खाते हैं तो सबको बहुत पसंद आती है इसलिए ज़्यादा सब्जी नहीं बनाई थी लिमिट में ही सब्जी बनाई थी तो सब्जी जो है ना एक दो प्लेट बच भी गई थी इस मेरे यहाँ से इसमें से क्योंकि सबने बासुंदी बहुत शौक से खाई है यहाँ पे आज और आई इसमें जो है इलायची वगैरह डाली थी ड्राई फ्रूट्स जो डालने के थे काजू वगैरह वो सब कुछ इसमें जो है ना आई ऐड कर रही थी अब देख रहे हो सब्जी का कलर कितना प्यारा आ गया बहुत अच्छी सी तरी आ गई ऊपर में अब इसके बाद बारी आती है पूरियाँ तलने की तो सबसे जो है पहले है ना भगवान जी की जो पूरियाँ है मैंने वो तल ली थी छोटी छोटी बना के और छोटी छोटी पूरियाँ रहती हैं ना एक ही बार में कढ़ाई में पूरी आ जाती है अच्छे से तो यहाँ पर भगवान जी की जो पूरियाँ हैं सबसे पहले तल लिए उसके बाद सबकी वाली जो पूरियाँ रहेंगी ना वो मैं तलूँगी यहाँ पर आज का हमारा पूरा खाना जो कुछ बना था खाने में दाल है सब्जी है चावल रोटी वगैरह पूरी सब कुछ है और बस यहाँ पे सब लोग जो है ना हॉल में बैठ गए खाना खाने जब भी हम सब लोग सब लोग साथ में खाना खाते हैं ना मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं हॉल में ही खाना ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठ के टीवी लगा दिया कुछ भी लगा दिया हाँ कुछ भी मतलब टीवी लगा दी तो बैठ के ना खाना खाना अच्छा लगता है या फिर नहीं भी टीवी लगाई तो यहाँ पे साथ में बैठ के खाना अच्छा लगता है तो मैक्सिमम टाइम हम लोग जो होता है हॉल में ही आके यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं और शाम का खाना ऐसा होता है मेरे घर में कि हम लोग जो है साथ में खाना खाते हैं दिन के टाइम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है साथ में खाना खाना लेकिन शाम का टाइम जो होता है ना हम सबका खाने का टाइम साथ में होता है तो बस साथ में यहाँ पे बैठ के खाना खा लेते सब सामान ले आते और ऐसा है कि मेरे घर में हर कोई हेल्प करने लगता है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती बर्तन लाना है ले जाना है तो इतनी दिक्कत नहीं होती जब हम लोग साथ तो में मतलब सब लोग होते तो इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बर्तन लाने ले जाने की हाँ अकेले रहो तो थोड़ी सी होती है लेकिन जब सब लोग साथ में रहते हैं ना तो बिल्कुल नहीं होती है तो बस यहाँ पे सबका खाना वाना चालू है अभी मैं यहाँ पे पीहू का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पीहू हमेशा मेरे बनाती है उसका वीडियो नहीं बन पाता और यहाँ पे चालू हो गया है इन लोगों का डांस तो अभी सबसे पहले अनाया और उसके बाद जो है ना इन लोगों ने मतलब बड़ा वाला बर्क्स लगा दिया था फिर दोनों ही बच्चे बहुत शौक से नाच रहे थे डांस कर रहे थे तो ऐसा रहा हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इसके बाद सब लोग बैठे रहे शाम को रात में थोड़ी बहुत बातें वगैरह करी और उसके बाद फिर जो था ना सोना ओना किया तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक बैठ